नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा, स्वागत है आप सभी का अनु मिस यूट्यूब हिंदी चैनल में। दोस्तों, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में है और आप जो है बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो किस तरीके से जॉब करेंगे, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, आज के इस वीडियो में इसे हम प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको पसंद आए और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहें, तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक में नौकरी करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की ये इच्छा होती है कि वो बैंकिंग सेक्टर में जाएं, बैंक में जॉब करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको बैंक में जॉब करना है, तो इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी और किस तरीके से जो है आप बैंक में जॉब कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कहीं जाना है, तो आपको ये तो पता है कि हमको इस जगह पे जाना है, लेकिन वहाँ पर किस तरीके से जाना है ये नहीं पता होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ से लखनऊ जाना है, तो आपको इतना पता है कि आपको लखनऊ जाना है, लेकिन लखनऊ जाने के लिए कौन सा रूट आपको इस्तेमाल करना है, किस रूट से आप जाएंगे, कौन कौन से रास्ते से जाएंगे ताकि आप जो है अपनी जगह पर पहुँच पाएँ, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, बैंक में बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे बैंक पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, मैनेजर हो गया, इस तरीके से बहुत सारे बैंक में आपको पोस्ट मिल जाएंगे। तो आप बैंक में किसी भी पोस्ट पे अगर आपको जॉब करना है, तो किस तरीके से आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, ये हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, वो है हमारा कंप्लीट योर स्टडी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होगी, अपनी पढ़ाई को पूरा करना होगा, तभी जाके आप जो है बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर पाएंगे। तो ये तो जो है ये लगभग लगभग सारे आपके जितने भी जॉब होते हैं, सबके लिए होता है कि सबसे पहले आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होगी, बिना स्टडी के आप कोई भी जॉब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहला यहाँ पर हमारा पॉइंट बनता है कि कंप्लीट योर स्टडी। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि स्टडी हम कहाँ तक करें, हमारे पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कहाँ तक अगर हम पढ़ाई किए हैं तो हम बैंक में जॉब कर सकते हैं, ये यहाँ पर पॉइंट आता है। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, ये है कंप्लीट योर स्टडी। अब इसके अंदर जो है हम लोग जानेंगे एलिजिबिलिटी फॉर बैंक जॉब। जी हाँ दोस्तों, एलिजिबिलिटी आपकी क्या क्या होनी चाहिए, अगर आपको बैंक में जॉब करना है तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको जो है कौन सी पढ़ाई करनी होगी, आप कहाँ तक पढ़े रहेंगे ताकि जो है आपको बैंक में जॉब मिल पाए। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहला तो है आपका टेंथ, आपको टेंथ क्वालिफाई होना चाहिए, टेंथ आपका पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप जो है 12 किए हो। उसके बाद अगला आता है ग्रेजुएशन। जी हाँ दोस्तों, 10th 12th के साथ साथ आपको ग्रेजुएट भी होना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो आप जो है बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हैं किसी अच्छे पोस्ट पे, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको बैंकिंग सेक्टर में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि ग्रेजुएशन हम किस स्ट्रीम से करें, बीएससी करें, बीए करें, या फिर अगर हम टेक्निकल से किए हैं, बीटेक किए हैं, तो क्या हम बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। इस तरीके से तरह तरह के जो है सवाल आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये क्लियर कर दें कि आपको ग्रेजुएशन तो करना है, लेकिन ग्रेजुएशन आप ये बाउंडेशन नहीं है कि आप केवल पार्टिकुलर स्ट्रीम से ही किए हों, या फिर आप साइंस से किए हों, या फिर आप जो है आर्ट से किए हों, या फिर कॉमर्स से किए हों, ऐसा इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन है, अगर आप बीए किए हैं तो भी ठीक है, अगर आप बीकॉम किए हैं, या फिर बीएससी किए हैं, या फिर आप बीसीए किए हुए हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि अगर आपने बीटेक कर रखा है, तो यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, या फिर अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने बीसीए किया हुआ है तो भी आप बैंक में जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो भी कर सकते हैं, या फिर जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी,
आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लिया है तो आप जो है बैंक में जॉब कर सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है IBPS का एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो है आपको IBPS का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप IBPS का एग्ज़ाम दे लेते हैं तो आप बैंक में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने IBPS का एग्ज़ाम दिया है तो। तो दोस्तों यहाँ तक अभी हम लोगों ने ये जाना कि बैंक में अगर हमें किसी भी पोस्ट के लिए जॉब को अप्लाई करना है तो हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या हमारी स्टडी होनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए और आपका जो है ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए, तब जाके जो है आप बैंक में जॉब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने IBPS का एग्ज़ाम दिया है तो आप बैंक में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, बैंक में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें सारे के सारे काम जो है आपके कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, कंप्यूटर पे हर एक काम आपका किया जाता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि क्या अगर कोई बंदा कंप्यूटर नहीं जानता है थोड़ा भी, तो क्या वो बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो। अगर आप बैंक में जॉब करना है आपको, तो आपको बेसिक नॉलेज कम से कम ज़्यादा नहीं तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है हर एक काम कंप्यूटर पर ही होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अब उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन सा ऐसा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए ताकि बैंक में अगर हम जॉब करें तो हमारे लिए सही हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कंप्यूटर कोर्स फॉर बैंक जॉब। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर कोर्सेज फॉर बैंक जॉब मतलब कि अगर आपको बैंक में जॉब करना है तो कौन से ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज हैं जो आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो है वो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो आप बहुत ही आराम से बैंक में जॉब कर सकते हैं। वहाँ पर जॉब मिलने के बाद जिस हिसाब से आपकी जो पोस्ट रहेगी वहाँ पर आपको ट्रेंड भी किया जाता है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। उसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर कोर्स में ऐसा कौन सा कोर्स है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी अगर आप बैंक में जॉब करने जाते हैं तो। तो यहाँ पर दोस्तों एक कोर्स होता है ADFA, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंटिंग। ये कोर्स करने के बाद आप बैंक में जॉब करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ट्रेंड हो जाते हैं। बैंक के अंदर जिस भी काम किया जाता है, जिस पे भी कंप्यूटर बेस पे आपको जिस भी नॉलेज पे वहाँ पर वर्क होता है, वो सारा का सारा जो है आपको ADFA कोर्स अगर आप करते हैं तो इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाती है। इसके अंदर आपका आता क्या है, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बताया जाता है, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको एडवांस एक्सेल सिखाया जाता है और आपको टैली अकाउंटिंग भी सिखाया जाता है, और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ADFA कोर्स में आपका आ जाता है। और ADFA कोर्स को करने के लिए कम से कम आपके पास 1 ईयर का टाइम होना चाहिए। ये जो कोर्स है आपका 1 ईयर में कंप्लीट होता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है ADFA कोर्स कर लें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगा अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ADFA कोर्स में ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है बताई जाती है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपके पास टाइम नहीं है, आप जो है 1 ईयर का ये कोर्स नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको जो है कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेना है, आपको बैंक में जॉब करनी है, तो इसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जानते हैं तो आप जो है यहाँ पर टैली सीख सकते हैं। टैली ERP 9 आपको सिखाया जाता है। ये आपको कहीं पे भी जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप जाके सीखते हैं तो वहाँ पर जो है आपको ये चीज़ें सिखा दी जाती है। टैली के अंदर अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप बैंक में जो है पैसे का लेन देन वगैरह अकाउंटिंग से रिलेटेड पोस्ट पर अगर आप हैं तो आपको इसकी ज़रूरत होती है, तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें
की जाती है, किस तरीके से ये वर्क करता है, ये सारी सारी चीज़ें आपको टैली में सिखा दी जाती है। तो टैली करने के लिए आपके आसपास या फिर कहीं पे भी कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके आप ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप डायरेक्ट टैली कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम भी नहीं है 1 ईयर का और आपके पास जो है बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो इसके लिए आपको जो है एक कोर्स आता है ट्रिपल सी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ट्रिपल सी, तो अगर आप ट्रिपल सी किए हुए हैं तो ट्रिपल सी के अंदर जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होती है वो सब आपका ट्रिपल सी में कवर हो जाता है। तो अगर आपने ट्रिपल सी पहले से कर रखा है तो भी आपको जो है अलग से बेसिक कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिपल सी में ज़्यादातर लगभग सारी चीज़ें आ जाती है। अगर आपने ट्रिपल सी किया है तो ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाती है, आप यहाँ से डायरेक्ट जो है टैली सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है सारा सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास 1 ईयर का टाइम है, आप टाइम दे सकते हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतर होगा आपके लिए कि आप 1 ईयर का ADFA कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लें, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिलहाल आपके पास जो है ये ऑप्शन तो है ही। तो ये है दोस्तों बैंक में जॉब करने के लिए रूट यानी कि रास्ता। अगर आपको बैंक में जॉब करना है तो किस तरीके से आप बैंक में जॉब कर पाएंगे, इसके लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है, किस तरीके से आप इसे कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे ताकि आप बैंक में जॉब कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट बैंक में है तो आप जो है ये सारी चीज़ें फॉलो करें ताकि आप एक बैंक में जॉब कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी अच्छे और न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।